रखा गया था उस समय आपकी योग्यता क्या मांगी गई थी? हमारी योग्यता ग्रेजुएशन का था। आपके नहीं, सभी जो प्रेरक के रूप में रखा गया था उस समय योग्यता क्या मांगी गई थी? हाई स्कूल इंटर BA MA सब था। तो उसमें आपका जो काम था वो क्या काम बताया गया था कि आपको ये काम करना पड़ेगा? हमको निरक्षरों को साक्षर करने के लिए बताया गया था, लेकिन भारत सरकार का ऐसा कोई योजना नहीं है जिससे हमारे प्रेरकों से न लिया जा रहा हो, और हमारे प्रेरक चाहे उनका कोई भी योजना आ रही है, प्रेरकों को ये लोग कह रहे हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन जो 30-35-40 महीने का जो हम लोगों का मानदेय बकाया है, अगर हम लोगों का प्रेरकों का अगर ये लोग राष्ट्रीय कर्मचारी अगर घोषित नहीं किए तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और 2019 में जिस तरह से अन्य प्रदेशों में अन्य सरकारों को हम लोगों ने स्थापित कर दिया, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी हिंदुस्तान की सरजमी पे वो बनने वाली नहीं है। ये हमारा पूरा हिंदुस्तान के प्रेरक आज कसम खा के जाएंगे कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम भारतीय जनता पार्टी का बढ़ चढ़ के विरोध करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपका ये मानदेय वगैरह बढ़ा दिया तो फिर क्या करेंगे? तो हम अगर हमारे प्रेरकों के बारे में अगर वो सोचती है तो हम भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचें। किसी तरीके के जो यहाँ धरने प्रदर्शन देते हैं, अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले शिक्षा मित्र भी आए थे, उन्होंने भी इसी तरीके से धमकी दी थी कि आने वाले 2019 में हम BJP का बिल्कुल हटा देंगे। तो इसी तरीके से प्रेरक भी इसी बात को कह रहे हैं।